फूल की बात हो रही है। यहाँ पे रहनजा बुटशुंगी एक बड़ी बस्ती है जिसमें ज़्यादातर लोग गुजर तबका के लोग हैं। आप इसकी हालत तो मौके पे देख सकते हैं। ये पुल जो बन रहा था एक साल से पहले, आज भी इसमें आबादी में ये देखो कि वो जगह जहाँ पे रोड नहीं है, वो जगह जहाँ पे पुल नहीं है, हायर सेकेंडरी सामने है। बहनीपोरा के भी बच्चे बारिश में हायर सेकेंडरी में नहीं जा सकते हैं। इस एक दिन तो इसका फोटोग्राफी तहसीलदार साहब यहाँ पे आए, लेकिन जब भी बारिश हो रही है, क्योंकि ये हिली एरिया, यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है 10-15 फुट, जब वो पिघलती है, रोज़ाना बारिश तो होती है, बर्फ़ तो पानी तो आता रहता है। ये देखो इसमें तो क्या है, बारिश जब भी बारिश आई तो बच्चा स्कूल में नहीं आ सकता है, न स्टाफ आ सकता है, क्योंकि यहाँ की पुल की आर एंड बी बना रहा है। फिर हमने R&B के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से एक बार गए थे, पता नहीं वो आज है, उसने बोला पता नहीं क्या बन रहा है। हमने कहा वो पुल हमारा अधूरा, बोला वो पुल नहीं है, वो फ्लाईओवर बन रहा है। तो पता नहीं वो फ्लाईओवर कहाँ जाएगा, बंगस जाएगा, क्या लग रहा है, क्यों इसको काम रोका गया? बस सरकार की दिलचस्पी नहीं है, दिलचस्प नहीं है। आप लोग वोट यहाँ पे नहीं, हम तो अपना हक अदा कर रहे हैं। हमें तो बदनाम किया जाता है कि गुजर तबका के लोग ज्यादा वोट दे दें, हम अपना हक अदा कर रहे हैं, लेकिन ये मामला सरकार जो है ये कयामत पर रख रही है अपना मामला। हमें सता रहे हैं, हमसे वोट भी लेके और हमें सता रहे हैं। ये देखो ना मौके पे कंडीशन देखो। जी हमने सब हर मोड पे उठाया। MLA साहब तो पिछले हमारे जो XML साहब था उसको तो हमने एक हफ्ते से पहले ये हाल देखा, जिसके पास आके वो तो देख सकता है। एक जो हमारे डिप्टी कमिश्नर आज आए हैं, हमारी एक ही गुजारिश है, आज जो हमारे आज डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का डिप्टी कमिश्नर है वो मौके पे हमारे इस हल्के पंचायत सबको जी बहनीपोरा यहाँ इस जगहों पे आके मौके पे देख लें, बस उसकी एक आदमी की उम्मीदें लग रही है डिप्टी कमिश्नर को कुपवाड़ा।